स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम वर्ल्ड। मैं दीपेंद्र कुमार एक बार फिर से आपके सामने अपने टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। जो टॉपिक था अपना कौन सा, हार्ड सॉफ्ट एसेट बेस, बीएससी फाइनल ईयर के टॉपिक में है। हमने कल बात करी थी हार्ड एसेट, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसेट, सॉफ्ट बेस के बारे में हमने बात करी थी। एसेट क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप की थ्योरीज की बात करी थी जो इसके अंदर इन्वॉल्व थी। फिर लुईस का जो कॉन्सेप्ट था, लुईस के कॉन्सेप्ट को पियर्सन ने क्या किया, डिवाइड किया किसमें, हार्ड और सॉफ्ट वाले केसेस में, जिसमें उन्होंने बात करी कि हार्ड एसिड होते हैं, हार्ड बेस होते हैं, सॉफ्ट एसिड होते हैं, सॉफ्ट बेस होते हैं। तो जनरली हार्ड और सॉफ्ट में मैंने बताया था कि जिसका स्मॉल साइज हो, एसिड में बात कर रहे हैं स्मॉल साइज हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, हार्ड होगा। अगर उसके पास क्या हो, बिग साइज हो, तो वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज लेस है और पॉजिटिव चार्ज हाई है, अगर पॉजिटिव चार्ज लेस है तो वो सॉफ्ट होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज हाई है तो वो क्या होगा, हार्ड होगा। सेम अपोजिट केस किसका ले लेते हैं, बेस का, कि अगर स्मॉल साइज हुआ तो वो कैसा होगा, स्मॉल साइज हुआ तो वो हार्ड होगा, बिग साइज होगा तो वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। नेगेटिव हाई होगा तो वो सॉफ्ट होगा, और नेगेटिव लेस होगा तो वो कैसा होगा, हार्ड होगा। और सेम केस देखा था हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म में। अगर आप फिर से समझना चाहते हैं डिटेल में तो आप मेरे लेक्चर फर्स्ट को देख सकते हैं, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उससे देख सकते हो। तो आज मैंने कुछ टेबल्स बनाई हुई हैं जिनमें से एक तरफ लिखा है सॉफ्ट एसिड, एक तरफ लिखा हार्ड एसिड, बीच में लिखा है बॉर्डर लाइन एसिड। तो कुछ हार्ड एसिड के एग्जांपल लिए हैं, कुछ सॉफ्ट एसिड के एग्जांपल लिए हैं, कुछ हार्ड एसिड के एग्जांपल लिए हैं, और कुछ जो है वो बॉर्डर लाइन वाले एसिड हैं। तो अगर मैं बात करूं Cu प्लस, कॉपर प्लस की बात करूं तो ये कैसा है, सॉफ्ट है। ये सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि कॉपर क्या है, डी ब्लॉक का है, और डी ब्लॉक में ये थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है। थर्ड पीरियड से स्टार्ट होगा तो जो इसके नंबर ऑफ सेल्स होंगी वो ज्यादा होंगी, SpDf चार चार सेल होंगी। तो इसमें क्या होगा, इसका साइज जो है वो क्या है, बड़ा है। और जब साइज बड़ा है तो क्या इसका आएगा, ये नेचर कैसा हो जाएगा, इसका सॉफ्ट हो जाएगा। और AgAu ये भी क्या है, डी ब्लॉक के हैं, टाइटेनियम भी क्या है, तो ये क्या है, AgAu क्या है, डी ब्लॉक के हैं, और डी ब्लॉक के फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के हैं, और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स और बढ़ती हैं और साइज उसका और बढ़ जाता है, इसलिए इसका क्या है, साइज बड़ा है, इसलिए क्या है, सॉफ्ट एसिड है। सेम अगर कंडीशन देखें हम, तो हम देखें यहाँ पे टाइटेनियम प्लस वन है, टाइटेनियम प्लस थ्री है, तो टाइटेनियम प्लस वन, टाइटेनियम प्लस थ्री क्या है, सॉफ्ट में है, लेकिन जो जरा इधर देखो टाइटेनियम प्लस फोर कहाँ पे, हार्ड में है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है उसका हार्ड नेचर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। अगर हम बात करें पीटी प्लस फोर की, पीटी प्लस टू की, तो ये दोनों कहाँ रखे हैं, ये सॉफ्ट में रखे हैं, पीटी प्लस टू, पीटी प्लस फोर कहाँ पे रखे हैं, सॉफ्ट में रखे हैं, लेकिन पीटी प्लस सिक्स कहाँ पे है, हार्ड में है। तो ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये कुछ बॉर्डर लाइन के हैं जो कि कभी कभी रिएक्ट कर जाते हैं किस तरह, सॉफ्ट की तरह, कभी कभी रिएक्ट कर जाते हैं हार्ड की तरह, ठीक है। तो ये टेबल आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, माइंड में रखिएगा तो आपको आसानी जाएगी। बात करते हैं सॉफ्ट बेस, हार्ड बेस और बॉर्डर लाइन बेस के बारे में। तो यहाँ देखो R2S, RSH, RS माइनस, ये सब क्या है, इनके पास क्या है, ये इजिली डोनेट कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इजिली डोनेट कर देते हैं, इसलिए कैसे हैं, सॉफ्ट बेस है, ये इजिली नहीं कर पाते, इसलिए ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। जिनमें से पहला एग्जाम्पल H2O, OH माइनस, ROH, R2O, RO माइनस, CH3, COO माइनस, ये सब किसके हैं, हार्ड बेस के एग्जाम्पल है। और ये जो कुछ एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, ये क्या है, कभी कभी सॉफ्ट की तरह कर देते हैं, कभी कभी हार्ड बेस की तरह वर्क करते हैं। तो ये तो जनरल टर्म किसकी है, हार्ड एसिड और हार्ड बेस की, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस की, जिसके बारे में मैं लेक्चर फर्स्ट में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। आज जो हमें बात करनी है, आज हमको बात करनी किसकी, HSAB प्रिंसिपल के बारे में बात करनी है। तो हमने लास्ट लेक्चर में HSAB के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस किया था आपको कि HSAB प्रिंसिपल है क्या। तो HSAB प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि जो हार्ड होता है, हार्ड हार्ड के पास जाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट के पास जाता है। मींस
अगर हम किसी हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस वाले को किसी सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस वाले मिक्सचर के साथ में, कंपाउंड के साथ में क्या करें, रिएक्शन कराएं, ट्रीट करें, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या होगा, हार्ड एसिड हार्ड बेस का, और थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, क्या आएगा, हार्ड एसिड हार्ड बेस, और दूसरा क्या आएगा, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का आएगा। तो ये क्या है, ये क्या है, ये सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, और ये क्या है, स्टेबल है। ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होंगे। यहाँ पे ये क्या है, ये अनस्टेबल अनस्टेबल है, दो अनस्टेबल को मिक्स किया तो क्या बन गया, स्टेबल। दैट मीन्स क्या हुआ, हार्ड कहाँ गया, हार्ड के पास, सॉफ्ट कहाँ गया, सॉफ्ट के पास। तो जो ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल है, जनरली यही बताता है कि जो जैसा होगा वो अपने जैसे के पास ही जाएगा। अगर हार्ड है तो वो हार्ड वाले के पास जाएगा, सॉफ्ट है तो वो सॉफ्ट वाले के पास जाएगा। ठीक है, तो अब इनके बारे में बात कर लेते हैं, इनका यूजेज क्या है। यूजेज की बात करें तो सबसे पहला जो इसका यूज है वो क्या है, ये स्टेबिलिटी बताता है कॉम्प्लेक्स की। क्या बताता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बताता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो भी बनते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई ए एसिड है और वो बी बेस के पास जाता है और कोई ए बी टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, तो ये तो या तो स्टेबल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इनमें दोनों ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया कि जो आपका एसिड है वो हार्ड है या बेस है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, और जो बेस है वो हार्ड है या बेस है। तो पहली कंडीशन इसके अंदर ये बनी कि अगर हमने हार्ड एसिड लिया है और सॉफ्ट बेस लिया है तो अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। क्या बनेगा, अनस्टेबल। ये एसिड बेस है, ठीक है। अगर यहां बनने वाला कॉम्प्लेक्स की बात करें, अगर यहां बनने वाला क्या है, कॉम्प्लेक्स जो बना है अगर वो हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस से मिलके बना है तो वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। दूसरी कंडीशन, हो सकता है सॉफ्ट एसिड आया हो और हार्ड बेस आया हो। तो अगर ये वाली कंडीशन भी रही तो दोनों नेचर कैसे, एक सॉफ्ट एक हार्ड, अपोजिट नेचर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर तीसरी कंडीशन की बात करें, अगर मैंने दोनों को क्या ले लिया, मैंने दोनों को हार्ड ले लिया, हार्ड एसिड ले लिया और हार्ड बेस ले लिया, तो ये भी क्या, ये क्या हो जाएगा, हार्ड हार्ड मिलके क्या बना लेगा, स्टेबल बना लेगा। और एक जो लास्ट वन बचा कंडीशन वो क्या है, अगर मैंने सॉफ्ट सॉफ्ट ले लिया, सॉफ्ट एसिड ले लिया, सॉफ्ट बेस ले लिया, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, स्टेबल होगा। मतलब एक जैसे अगर प्रोडक्ट, एक जैसे कंस्टिट्यूएंट्स मिलके अगर प्रोडक्ट बनाए तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। मीन्स अगर मृदु अम्ल और सॉरी अगर हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे कठोर अम्ल ले लिया है, मृदु क्षार ले लिया है, तो अस्थाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर हमने क्या ले लिया है, मृदु अम्ल ले लिया है और कठोर क्षार लिया है, तो वो भी क्या बनाएगा, अस्थाई बनाएगा। लेकिन अगर हमने कठोर कठोर एसिड बेस ले लिए तो स्टेबल बनाएगा, अगर मृदु मृदु ले लिया तो वो क्या बनाएगा, स्टेबल बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट का हमने पहले यूज किया किसमें, पहली प्रॉपर्टीज में, जिसको हमने बताया क्या, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो हेडिंग है पहली, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की है। हमने इसके अंदर देखा HSAB प्रिंसिपल को अप्लाई करके, तो हमने ये देखा कि अगर वो हार्ड हार्ड से मिलके बनता है, सॉफ्ट सॉफ्ट से मिलके बनता है, तो वो कैसा होगा, स्टेबल होगा। अगर वो दोनों अपोजिट हैं, अगर कोई एक हार्ड है दूसरा सॉफ्ट है, तो वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये तो पहली प्रॉपर्टी, पहली यूज आई, जिससे हमने ये बताया कि आखिरकार हम कैसे बता सकते हैं कि स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल बनेगा। अब जो हमें दूसरा पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे क्या, तो हेडिंग डाल लो, हेडिंग है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। दूसरा यूजेज है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम लिगेंड। ऐसे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बताना है जिनके पास क्या हो, सेम टाइप ऑफ लिगेंड या मेटल हो। अगर देखें इस बारे में तो हम सबसे बढ़िया एग्जांपल ले सकते हैं इसका, AgI2- का, और एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं क्या, AgF2- का।
ठीक है, तो ये सेम टाइप ऑफ लिगेंड है, मतलब ये हेलोजन ही है, ये भी हेलोजन ही है। अगर हमने सेम टाइप ऑफ लिगेंड ले लिया है तो हम कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसको ब्रेक कराऊं तो ये ए जी प्लस में टूट रहा है, ये आई माइनस में टूट रहा है, ये भी ए जी प्लस में टूट रहा है और ये एफ माइनस में टूट रहा है। क्योंकि ए जी प्लस हमने देखा था, हमने जब टेबल बनाई थी तो हमने ये देखा था कि ए जी प्लस क्या है, एक सॉफ्ट एसिड है, ठीक है, और I माइनस क्या है, ये भी हमने देखा था, ये क्या है, सॉफ्ट बेस था। अगर हम इसकी बात करें AG की तो ये वैसे ही है, सॉफ्ट एसिड ही है, लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ ये कैसा हो गया है, ये हो गया है हार्ड बेस। तो एक क्या है, एक सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से मिलके बना है, एक हार्ड एसिड हार्ड बेस से मिलके बना है, तो ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट वाली प्रॉपर्टी है ये मैच कर रही है, इसलिए ये कैसा होगा, ये होगा स्टेबल। और ये जब ये क्या है, एक सॉफ्ट है एक हार्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। बहुत इजी है, बस आपको ये माइंड में रखना है कि कौन सा आपका सॉफ्ट है और कौन सा आपका हार्ड है, जिसके लिए आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, और हो सके तो प्रैक्टिस में ले आना तो ये आपको ऐसे ही आ जाएंगे, फिंगर ट्रिप में ट्रिप में ही आपको पता चल जाएगा कि वो सॉफ्ट है या वो हार्ड है। ठीक है, तो जो तीसरा एग्जाम तीसरी हेडिंग देखेंगे, ये तो इसी के अंदर हो गया ना, सॉफ्ट सॉफ्ट के बेस में हार्ड हार्ड के बेस में, ये पहले के अंदर ही है, पहले के अंदर पहला। दूसरा अगर देखें, अगर उसके पास क्या हो, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड हो, मतलब स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हैविंग हैविंग डिफरेंट लिगेंड डिफरेंट लिगेंड, ऐसे कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी बतानी है, ऐसे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बतानी है जिनके पास क्या हो, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड हो। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड की मतलब बात करते हैं कि हमने एक एग्जांपल लिया, उसमें लिया CO NH3 का 5 I माइनस 1 सॉरी माइनस 1 नहीं, यहाँ पे प्लस 2 ले लो, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लें हम कि CO ले लें, NH3 ले लें, और यहाँ पे 5 करके यहाँ पे F ले लें, और यहाँ पे कर दें F2। मतलब हुआ क्या कि यहाँ NH3 भी है, I भी है, NH3 है और F है, मतलब दो अलग अलग तरह के लिगेंड्स हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ तो हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी इस वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO। CO की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला, जिसकी निकालनी है उसको X मान लो, प्लस कितने ने अमोनिया है 5, अमोनिया गैस है 0 होता है, प्लस 1 आयोडीन है, एक आयोडीन के 4 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा प्लस 2। तो ऊपर आया क्या, ये 0 हो गया, ये माइनस 1 इक्वल प्लस 2, तो x इक्वल क्या आ गया प्लस 3। तो CO प्लस 3 आया, CO प्लस 3 क्या है, सॉफ्ट एसिड है, CO प्लस 3 क्या है, सॉफ्ट एसिड है। I की बात करें तो I माइनस क्या है, सॉफ्ट बेस है, I माइनस क्या है, सॉफ्ट बेस है। तो दोनों ही क्या है यहाँ पे, दोनों ही क्या है यहाँ पे, सॉफ्ट हैं, दोनों का नेचर एक मिनट, CO प्लस 3 हो गया है, ये हार्ड होगा, ये हार्ड इन नेचर है। अगर मैं यहां बात करूं तो पूरे वही लिगेंड वगैरह सब कुछ सेम है, इसका मतलब यहाँ भी CO किस में होगा, प्लस 3 में होगा, प्लस 3 है मतलब ये हार्ड है, एसिड है। अगर F माइनस की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसका साइज भी बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसलिए ये क्या होता है, हार्ड बेस होता है। तो ये हार्ड हार्ड से मिलके बना है और ये सॉफ्ट हार्ड से मिलके बना है, तो ओवरऑल बता सकते हो कि ये क्या हो गया, ये अनस्टेबल होगा और ये क्या होगा, स्टेबल होगा। बहुत ईजी है, बस पॉइंट माइंड में रखने हैं, लेके चलना है आपको, ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि कौन सा हार्ड है और कौन सा सॉफ्ट है। अगर मैं इसका और एक एग्जांपल लूं तो एक एग्जांपल मैं और ले सकता हूं जिसमें आएगा एक्सेप्शन टाइप का है, वो CO CN5 I माइनस 3 और हमने लिया है CO CN5 F माइनस 3। तो हुआ क्या है, हमने केवल NH3 को एक्सचेंज कराया है किससे, हमने CN से, और अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट CO की निकालें तो X हो जाएगा CO 5 है, CN का होता है माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 आयोडीन का इक्वल हुआ माइनस 3, तो X माइनस 6 माइनस 1 इक्वल माइनस 3, तो कितना आया 6 1 कितना होता है 7, तो X इक्वल 7 माइनस 3, तो X इक्वल क्या निकला प्लस 4, x इक्वल क्या निकल के आया यहाँ पे प्लस 4 निकल के आया, रुको रुको कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुई है, x माइनस 5
और माइनस वन इक्वल माइनस थ्री, तो एक्स माइनस सिक्स इक्वल माइनस थ्री आया, तो एक्स इक्वल क्या आया सिक्स माइनस थ्री, तो एक्स इक्वल क्या हो गया प्लस का थ्री। दैट मीन सीओ फिर से क्या है प्लस थ्री में है, और प्लस थ्री में ये कैसा होता है हार्ड एसिड होता है। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन क्या होता है सॉफ्ट बेस होता है। सेम कंडीशन CO प्लस थ्री यहाँ भी आएगा, ये कैसा होगा हार्ड एसिड होगा। अगर मैं F माइनस की बात करूँ तो F माइनस क्या है हार्ड बेस है, तो ये हार्ड सॉफ्ट है और ये हार्ड हार्ड है, तो जनरली आप कह सकते हो क्या होगा कि ये वाला जो होगा ये अनस्टेबल होगा और ये वाला जो होगा ये स्टेबल होगा। अगर इस तरह लगा के आओगे करके आओगे तो वो ऐसे गलत कर देगा, काट देगा, खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि जरा देखो कि सीएन है आई है आई है, तो हुआ क्या है कि यहाँ सीएन का क्या है सीएन जो सीएन होता है वो कैसा होता है डिफरेंट नेचर का होता है। डिफरेंट नेचर का मतलब कि क्या है आई माइनस और सीएन माइनस, आई माइनस क्या है सॉफ्ट बेस है, सीएन माइनस भी क्या है सॉफ्ट बेस है, सीएन माइनस सॉफ्ट बेस, आई माइनस सॉफ्ट बेस, दोनों ही क्या है सेम नेचर में है। यहाँ बात करें तो सीएन माइनस सॉफ्ट बेस और यहाँ एफ माइनस क्या है हार्ड बेस है, तो ये दोनों के नेचर क्या हो गए हैं अपोजिट हो गए हैं, यहाँ के दोनों के नेचर क्या हैं सेम है। तो हुआ क्या कि जो कि जे वाला जो स्टेबल होना चाहिए था, हार्ड हार्ड वाला क्या होना चाहिए था स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ लिगेंड ही डिफरेंट नेचर के आ गए। जब लिगेंड ही दोनों डिफरेंट नेचर के आ गए तो स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये वाला स्टेबल हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। समझने वाली बात है, बस ध्यान देना पड़ेगा कि नेचर देखना है। अगर इस तरह का कोई लिगेंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया जिसमें दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि क्या लिगेंड्स का नेचर सेम है या लिगेंड्स का नेचर डिफरेंट है। अगर लिगेंड्स का नेचर डिफरेंट हो गया तो वो क्या हो जाएंगे अनस्टेबल हो जाएंगे, अगर लिगेंड्स का नेचर क्या रहा सेम रहा तो वो क्या हो जाएंगे स्टेबल हो जाएंगे। तो ये पहला यूज था जिसमें हमने ये देखा कि हम स्टेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी निकालने के बाद जो दूसरा है वो क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन यूज किसमें कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उनके एक्सप्लेनेशन में कैसे पार्टिसिपेट करता है HSAB प्रिंसिपल। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे क्या LII प्लस CSF लिथियम आयोडाइड सीजियम फ्लोराइड, ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे ये इसकी एक्सप्लेनेशन देगा। प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा क्या बनेगा इसकी एक्सप्लेनेशन हम HSAB प्रिंसिपल से दे सकते हैं। मीन्स जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही बनेगा। और हमें पता है कि LI यहाँ पे किस में है LI पॉजिटिव में है, I माइनस में है, यहाँ CS क्या है पॉजिटिव में है F माइनस में है। बस हमें ये पता चल जाए कि कौन सा हार्ड है और कौन सा सॉफ्ट है तो हम इसको बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम अगर यहाँ देखें तो ये क्या है लिथियम प्लस हार्ड एसिड में है और ये क्या है सॉफ्ट बेस में है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है सॉफ्ट एसिड है, प्लस वन ही चार्ज है, सीजियम बहुत बड़ा होता है, एस ब्लॉक में सबसे नीचे आता है, नीचे आने पर साइज बढ़ती जाती है, बड़ा साइज का है प्लस वन है इसलिए सॉफ्ट एसिड है, और एफ माइनस की बात करें तो ये हार्ड बेस है। अब आपको पता है कि हार्ड के पास कौन आएगा हार्ड आएगा, सॉफ्ट के पास कौन जाएगा सॉफ्ट जाएगा, तो लिथियम कौन सा ले जाएगा एफ माइनस ले जाएगा, तो लिथियम प्लस बन जाएगा और सीजियम आई बन जाएगा। ये क्या है हार्ड हार्ड है और ये क्या है सॉफ्ट सॉफ्ट है, और ये दोनों ही क्या है स्टेबल हैं। तो हम बता सकते हैं क्या डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब दो अलग अलग कंपाउंड में दोनों में डिस्प्लेसमेंट हो, इसका आई डिस्प्लेस किया है इसका एफ डिस्प्लेस किया है, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं जो तीसरा एक्सप्लेनेशन दिया, उसने तीसरा एक्सप्लेनेशन ये दिया कि जो कैटलिस्ट होते हैं कैटलिस्ट होते क्या हैं, कैटलिस्ट वो है जो रिएक्शन की रेट को एनहेंस कर देते हैं, रिएक्शन की रेट को एनहेंस कर देते हैं वो होते हैं कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट जनरली हम देखते हैं, पहले हेडिंग डाल लो इसकी क्या है एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइजनिंग कैटलिस्ट
कैटेलिस्ट यूज करते हैं, और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों कैसे हैं, सॉफ्ट एसिड हैं, दोनों कैसे हैं, सॉफ्ट एसिड हैं। तो अकॉर्डिंग टू एच एस ए बी प्रिंसिपल दीज आर रिएक्ट विद सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट बेस से रिएक्ट करेंगे, तो सॉफ्ट बेस जैसे सीओ, इथीन एक्सेट्रा, ये क्या है, सॉफ्ट एसिड है। जब ये इनसे रिएक्ट करता है तो जो इनका सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस, ये वाला जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो कैसा होगा, स्टेबल तो होगा लेकिन कैसा होगा, टॉक्सिक होगा, पॉइजनस होगा, ठीक है, पॉइजनस होगा, नेचर कैसा हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इनकी रिएक्शन किससे करा दें, मतलब ये जो हमने सॉफ्ट एसिड कौन से लिए हैं, पीडी और पीटी लिए हैं, इनकी रिएक्शन हम हार्ड बेस से करा दें, किससे करा दें, हार्ड बेस से, जैसे एफ माइनस वगैरह से, एन से करा दें, तो ये क्या हो जाएंगे, इनका नेचर कैसा हो जाएगा, पॉइजनस नहीं रहेगा, नो टॉक्सिक नो पॉइजनस। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जो अगला है, अगला एक्सप्लेनेशन क्या दिया, अगला यूज क्या आया इसका, फोर्थ नंबर का यूज है, फोर्थ नंबर का यूज कह रहा है कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्ड, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड नेचर को एक्सप्लेन किया है। बॉन्ड नेचर का मतलब अगर कोई हार्ड एसिड और हार्ड बेस से मिलके बना है कोई भी कंपाउंड, तो जो उनका कंपाउंड होगा उनके बीच में जो बॉन्ड होगी वो आयनिक बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा। अगर कोई सॉफ्ट है, सॉफ्ट एसिड है और सॉफ्ट बेस से मिलके बना है अगर कोई कंपाउंड, तो वो कैसा होगा, कोवेलेंट नेचर में होगा। ये एक्सप्लेनेशन किसने दिया, ये एक्सप्लेनेशन दे दिया किसने, एच एस ए बी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दे दिया। मीन्स हमें देखना है कि अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना है अगर वो हार्ड हार्ड से मिलके बना है तो उसके बीच में आयोनिक बॉन्ड पाया जाएगा, जैसे NaCl, ठीक है। अगर वो कोई सॉफ्ट सॉफ्ट से मिलके बना है तो उसमें बना है, उसमें क्या पाया जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। तो जो इसके बाद क्या एक्सप्लेनेशन था, तो ये तो रही बात नेचर ऑफ बॉन्ड की, तो जनरली फोर टाइप्स के हम पढ़ेंगे जिनको हम लिखेंगे इसमें। यूजर ऑफ एच एस ए बी प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, तो एच एस ए बी प्रिंसिपल होता क्या है कि जो हार्ड होता है वो हार्ड से रिएक्शन करके स्टेबल कंपाउंड बनाता है, जो सॉफ्ट होता है वो सॉफ्ट से रिएक्शन करके स्टेबल कंपाउंड बनाता है। तो ये रही बात अपनी किसकी, एच एस ए बी प्रिंसिपल की। अब जो आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उसका नाम है सिम्बियोसिस, सिम्बायोसिस भी बोलते हैं कई लोग, जो आपको मर्जी लगे, और हिंदी में कहते हैं इसको सहजीविता। तो सिम्बायोसिस होती क्या है, मतलब एक जैसा अगर मेरा नेचर है तो मैं किसी ऐसे कंपाउंड से जाके जुड़ूंगा जिसमें मेरे जैसा ही कोई लगा होगा। जैसे मतलब अगर कहूं कि एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ है कि जो सॉफ्ट बेस होते हैं वो ऐसे एसिडिक सेंटर से रिएक्शन करते हैं, ऐसे एसिडिक सेंटर की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्शन दिखाते हैं, जहां पहले से क्या लगा हो, एक सॉफ्ट बेस लगा हो, ठीक है। इसी तरह अगर एसिड की बात, एसिड हार्ड बेस, हार्ड वाले की बात करें, तो हार्ड बेस जो होंगे वो ऐसे एसिडिक सेंटर की तरफ रिएक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे जहां पहले से क्या लगा हो, हार्ड बेस लगा हो। बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कोई सा भी दिमाग नहीं यूज होना है, कि जो सॉफ्ट होगा वो सॉफ्ट बेस वाले पे ऐसे में जाएगा, ऐसे एसिडिक। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लू, अगर मैं एग्जाम्पल लू, मैंने लिखा BH3, ठीक है, तो BH3 में H माइनस क्या है, यहां पे BH3 में H माइनस जो है वो क्या है, सॉफ्ट एसिड है। H माइनस क्या होता है, सॉफ्ट एसिड होता है, H माइनस सॉफ्ट एसिड होता है, नहीं ये सॉफ्ट बेस होता है, रुको, BH3 की बात करें तो BH3 यहां पे क्या होगा, ये रिएक्शन करने जाएगा किससे, H माइनस से, ऐसा देखो BH3 किससे रिएक्शन करने जाएगा, H माइनस से रिएक्शन करने जाएगा। तो ये क्या है, यहां पे H पॉजिटिव है और ये क्या है, H माइनस, सॉरी, H पॉजिटिव जो होता है, H पॉजिटिव इसका नेचर होता है किसका, सॉफ्ट एसिड का, और H माइनस का नेचर होता है हार्ड बेस का, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस, ठीक है।
तो ये दोनों कैसे हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट नेचर के हैं, लेकिन ये जो माइनस वाला ये बेसिक है, ये बेसिक कहां पे जाएगा, ऐसे एसिडिक सेंटर पे जाएगा जहां पे पहले से क्या हो, सॉफ्ट एसिड अटैचमेंट हो। तो ऐसे ऐसे वाले से रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शन कर ली इसने, क्या बनाएगा यहाँ पे, ये बनाएगा बी एच थ्री, ये एच माइनस इसको दे देगा, ओवरऑल बनेगा क्या, ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बी एच फोर माइनस का। इसी तरह से अगर मैं एग्जांपल देखूं किसका, कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं बी एफ थ्री और एन एच थ्री का, तो एन एच थ्री क्या है, एक बेस है, ठीक है, और ये एफ माइनस क्या है, एक बेस है, तो ये दोनों क्या है, हार्ड बेस है, और ये क्या है, एसिडिक सेंटर है, तो एन एन कहां पे जाएगा, एन एच थ्री कहां पे जाएगा, बी के पास जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बी एफ थ्री, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा किसकी तरफ, एन एच थ्री की तरफ। तो ये क्या है, सिम्बियोसिस है। अब सिम्बियोसिस की कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि इसके पास कोई सा भी क्वांटिटेटिव रिजल्टेंट नहीं है। क्वांटिटेटिव रिजल्टेंट का मतलब कि कोई भी ऐसा प्रूफ करने वाली बात नहीं है, बस सिंपल सी बस वो कह देता है कि जहाँ हार्ट सेंटर, जहाँ एसिडिक सेंटर है उसके पहले अगर हार्ट वाला जुड़ा है तो वो हार्ट वाले को अट्रैक्ट करने पहुंचेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी लिमिटेशन ये है कि एक रिएक्शन से देख सकते हैं इसकी दूसरी लिमिटेशन, उसमें यह है कि जैसे सी एच थ्री प्लस है, ठीक है, ये अगर इसकी हम रिएक्शन कराएं किससे, एच टू से, तो सी एच थ्री प्लस जो है वो क्या है, एक सॉफ्ट एसिड है, ठीक है, और एच जो है, एच माइनस में निकलेगा यहां पे, ये क्या है, सॉफ्ट बेस है, ठीक है। तो इसको जो रिएक्शन होनी चाहिए थी, रिएक्शन होनी चाहिए थी कि सी एच फोर बन जाता मेथेन और एक एच प्लस क्या हो जाता, रिलीज हो जाता, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, हायर एन्थैल्पी, क्या हायर एन्थैल्पी चेंज होता है, ठीक है, हायर एन्थैल्पी चेंज अप्रॉक्स होता है 360 किलो जूल पर मोल के आसपास, जिसकी वजह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अग्र दिशा में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती, ये बैकवर्ड में हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा इसकी लिमिटेशन, और ये रहा आपका पूरा का पूरा चैप्टर, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस, हार्ड बेस सॉफ्ट एसिड, ठीक है, मतलब एचएसएबी की बात करी हमने, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की बात करी, एचएसएबी प्रिंसिपल की बात करी, उसके यूजेज की बात की, उसमें सिम्बियोसिस की बात करी और उनके लिमिटेशन की बात करी। तो ओवरऑल ये जो आपका चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।